एक बार एक व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए जा रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं नया गांव कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वह मुझे पसंद करेंगे या नहीं। व्यक्ति जब नए गांव के निकट पहुंचा तो उसे वहां एक जेन मास्टर मिले। उसने जेन मास्टर से पूछा कि यहां के लोग कैसे हैं? क्या आपको लगता है कि वह मुझे पसंद करेंगे? जेन मास्टर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जहां से आ रहा हूं वहां के लोग अत्यंत दुष्ट और लालची थे। वह हमेशा गुस्से में रहते थे और धोखाधड़ी किया करते थे। मास्टर ने कहा, इस गांव के लोग भी ठीक उसी तरह के हैं। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति उस गांव में आया और उसने भी जेन मास्टर से वही सवाल पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। इस पर जेन मास्टर ने उससे भी वही पूछा, जहां से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, वहां के लोग अत्यंत भले थे। वहां लोग अपने गांव और एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और व्यवहार कुशल भी थे। वह मुसीबत के क्षणों में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। जेन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, इस गांव के लोग भी ठीक वैसे ही हैं। मित्रों, हम जैसा दुनिया को देखेंगे दुनिया हमें वैसी ही दिखेगी। अगर हम दुनिया में अच्छाई, प्यार और आशा देखेंगे तो हम जहां भी जाएंगे हमें वही दिखेगा। और अगर हम दुनिया में सिर्फ बुराई, लालच और घृणा देखेंगे तो हर तरफ हमें वही दिखेगी। यह दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है। यह दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। जिसकी नजर जैसी उसके लिए यह दुनिया वैसी। इसलिए यह काफी हद तक हम पर ही निर्भर करता है कि हमें दुनिया कैसी नजर आती है। और अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बदले तो पहले हमें खुद को ही बदलना होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।